की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है इससे पहले मैंने मिंत्रा साड़ी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अलग अलग तरह से साड़ी पहनी थी उस पर मुझे बहुत कमेंट आए कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं मैंने वो साड़ी कैसे ड्रेप किया तो मैं टीचिंग में सच में इतनी अच्छी नहीं हूँ बट आई ट्राई मैं आपको अच्छे से समझा सकू कि मैंने वो साड़ी कैसे ड्रेप किया So, जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपने तो सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो वीडियो करो एंड प्रेस द बेल आइकन एवरी वीडियो गाइस सो लेट्स स्टार्ट साड़ी है वो ये लहंगा स्टाइल में साड़ी है ये मैंने मीशो वाली वीडियो में भी रेड कलर की साड़ी पहनी थी सिल्क में थी वो पहनी थी एंड जो मेरी मिंत्रा वाली वीडियो थी उसमें मैंने ब्लैक कलर की साड़ी लहंगा स्टाइल में पहनी थी एंड अब लेट्स स्टार्टेड की इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए तो पहले आपको चाहिए इसके लिए अपना कोई ओल्ड लहंगा या स्कर्ट जो भी हो जिसमें

जैसे ही आप पूरा साड़ी को ड्रेप कर दोगे उसके बाद आपको पीछे से आपको प्लेट्स नहीं बनानी है क्योंकि अगर मैंने पीछे से प्लेट्स बना रही हो तो मेरी साड़ी थोड़ी छोटी रह जाती है मुझे पल्ला नहीं आता और अंदर से स्कर्ट दिख रहा है वो बहुत बेकार लग रहा है तो मैंने ऑल द वे हाथ तक ये प्लेट्स बनाई हैं उसके बाद कोई प्लेट्स नहीं बनाई है उसके बाद आप नॉर्मली जिस तरह का आपको पल्ला आपको लाइक प्लेट्स बनानी है या फ्री पल्ला करना है आप फ्री पल्ला जो भी करना चाहते हो कर सकते हो एंड यू कैन सी दिस साड़ी लुक इज सो लुक लुकट आई लव इट ये बहुत रॉयल लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया आई रियली लव दिस लुक लुक आई जस्ट लव इट इट्स लुक सो इट्स लुक सो रॉयल बहुत सिंपल सा है और आप अपनी साड़ी को इतना रॉयल लुक दे सकते हो आई लव इट स्टाइल है वो है ये मैंने मिंद्रा में इस साड़ी पे इस टाइप का स्टाइल किया था और मैंने मीशो पे इस साड़ी पे इस टाइप का स्टाइल किया ये बहुत सिंपल है बट ये साड़ी का स्टाइल मैंने कहीं से देखा नहीं है ये जस्ट मेरे माइंड में, में फ्लिक किया एंड आई ट्राई दिस आप लोगों को पसंद आया आई लव दैट क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया बहुत सिंपल सा है आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना लिटरली कुछ भी नहीं करना नॉर्मल जिस तरह से साड़ी ड्रिप करते हो आपको वैसे ही साइड ड्रिप करनी है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है साड़ी ड्रिप करने में स्पेशली वो दो फोल्ड वाला जो एरिया होता है मैं वहाँ पे हमेशा पागल हो जाती हूँ उसके लिए आप क्या कर सकते हो जितने आप चौड़े फोल्ड रखोगे उतना अच्छी तरह से आपकी साड़ी पर एकदम लुक आएगा जितने आप छोटे छोटे फोल्ड बनाओगे उतना वो बहुत ज़्यादा बल्कि लगेगा अजीब सा लगेगा ये मैंने सीखा है सो अगर आप ट्राई करोगे तो यू कैन सी दैट कि कितना अलग डिफरेंस आता है तो नॉर्मल आपको साड़ी पहननी है फिर जो मेन है साड़ी में वो है आपका पल्लू जब आप इसमें प्लेट्स बनाओगे तो आपको नॉर्मली प्लेट्स बनानी है कुछ नहीं करना नॉर्मल से प्लेट्स बनाना एंड प्लेट्स बनाने के बाद आपको लेना है एक सेफ्टी पिन और उससे जो आपने प्लेट्स बनाई है उसको सेफ्टी पिन से लॉक कर देना ताकि कि ताकि जितनी भी प्लेट्स है वो इधर उधर ना जाए यू कैन डू और कुछ नहीं करना एंड जो आपका पल्लू है उसको लेना आपने जो भी पहना हुआ है आपने ब्लाउज पहना हुआ है ब्रालेट पहना हुआ है जो भी पहना हुआ है उसके अंदर उसको जिस तरह से मैं टक कर रही हूँ वैसे टक कर लेना दैट्स इट आप चाहो तो वहाँ पे भी सेफ्टी पिन से लॉक कर सकते हो फॉर मोर सेफ्टी और या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो ये ऐसे भी काफी अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे स्टाइल बहुत यूनिक है बट इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपको चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जब आप पल्लू ले रहे हो तो वो लंबा लो जिससे कि आप टक करो तो आपका जो पीछे की तरफ आप डालते हो उसके बाद आपकी जो लेंथ हो वो सही आए एंड यू कैन सी इट्स लुक सो प्रेटी मुझे इसमें जो दूसरा स्टाइल है वो ज़्यादा पसंद है जब मैं ऊपर से इसको फ्री कर देती हूँ दिस लुक इज़ वेरी डिफरेंट आई रियली लव दिस लुक इट्स लुक सो प्रेटी आपकी साड़ी बहुत डिफरेंट हो जाएगी कोई भी सिंपल सी साड़ी लो दिस साड़ी इज़ वेरी ओल्ड ये मेरी मोम की साड़ी है बहुत पुरानी साड़ी है बट आई लव द पर्पल कलर सो आप कोई भी नई पुरानी साड़ी में ये लुक ट्राई कर सकते हो एंड ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है आई जस्ट लव दिस लुक थर्ड लुक है उस पर भी आपको कुछ नहीं करना बहुत सिंपल से लुक है मैंने जो अपनी मंत्रा में साड़ी पहनी थी उसमें इस साड़ी पे ये लुक ट्राई किया था कुछ नहीं करना है जस्ट आपको लेनी है एक शर्ट ब्लाउज की जगह पे जैसे कि आज साटन की आपके पास शर्ट है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी एंड या मेरी शर्ट थोड़ी क्रीज हो रखी है प्लीज डोंट माइंड दिस आप कोई भी शर्ट ले सकते हो ब्लाउज स्किप कर सकते हो आपको नॉर्मल साड़ी ड्रेप करनी है एंड देन कुछ नहीं करना अपनी शर्ट में से ऑल द वे इसको पल्लू को बाहर निकालना है जितना आपको चाहिए उतना पल्लू आप बाहर निकाल सकते हो एंड या दैट सेट ये कितना अलग डिफरेंट एंड सो सिंपल बहुत ही यूनिक सा लग रहा है मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा दिस लुक भी आई रेई लव इट एंड या गाइज सिम सो सिंपल सो इजी ये थे मेरे साड़ी के हैक्स आपको कैसे लगे मुझे तो बहुत पसंद आए बहुत सिंपल है और बहुत डिफरेंट सा लुक आ जाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन सो यू कैन नोटिफाई फॉर माई एवरी वीडियो एंड वन मोर थिंग गाइज अगर आप लोग कमेंट करते हो तो प्लीज अपने कमेंट्स डिलीट मत किया करो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का कमेंट आता है मुझे कोई इशू नहीं है या वो अगर आप मुझे किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही है प्लीज़ कमेंट मुझे कोई इशू नहीं है आई लव योर कमेंट्स सो गाईज एक इशू हो रहा है यूट्यूब पर मेरे साथ मेरे को बहुत लोगों के कमेंट नोटिफिकेशन में दिखते हैं लेकिन जब भी मैं कमेंट का रिप्लाई करने जाती हूँ वो कमेंट आई डोंट नो वाई डिसपेयर हो जा रहे हैं तो आई एम सॉरी अगर मैं आप लोगों में से किसी लोगों का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज सोच लेना वो यही दिक्कत है क्योंकि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ आई लव योर कमेंट्स और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो मुझे आपको रिप्लाई देना भी बहुत पसंद है सो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको ये हैक्स कैसे लगे हेल्पफुल लगे नहीं लगे कमेंट जरूर करना एंड गाइज प्लीज स्टे होम स्टे सेफ अपना ख्याल रखो अपनी फैमिली का ख्याल रखो एंड यार yeah, दैट्स इट गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय बाय टेक केयर गाइज बाय